कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आई हूँ अपने मासी के शादी में। तो आप लोग भी स्टॉक गए हुए कि मासी के शादी में। हाँ यार, मासी के शादी कराने आई हूँ ताकि मासी जल्दी शादी कर ले, उसके बाद मेरी बारी है। तो यहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, सब मम्मी लोग सब डांस करते, बहुत दिनों के बाद सारी बहनों मिले थे और सारे लोग मस्त डांस कर रहे थे। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जब मामी पैसा फ्रिज में ले, ठीक है खा ले। मामी नहीं है? हाँ मामी भी है जा ना घर में, बड़ी मामी आ जाएगा ना। हाँ नहीं पहचान रहे हम किसी को, दुल्लू मामू को तो पहचान है। छोटी बोलो हाय। हेलो से हाय। बोलो हाय ऐसे हाय। हमको भी दो दीदी की सीट है। इधर इधर यहाँ दो, यहाँ दो। और ये हुआ पे गिफ्ट में देख रही थी हम लोग, हम और दीदी, कि क्या क्या गिफ्ट सब लोग दिए हुए हैं। उसके बाद चेक करने के बाद हम लोग जाते हैं डांस की ओर। बहुत मन कर रहा था डांस करने का, बट मुझे और दीदी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था नागपुरी गाना। हम लोग ट्राई करते कि हिंदी गाना बज जाए, पर कोई बजाने ही नहीं दे रहा था। सारे लोग लगे पड़े थे नागपुरी गाना में और सारे लोग मस्त डांस कर रहे थे, झूम रहे थे। फिर नानी मुझे बुलाती है, उसके बाद फिर मैं भी नानी से डांस वांस करने लगती हूँ, पर कुछ नहीं समझ आ रहा बाय गॉड। पर कोई बात नहीं, हाथ ही हिला लेती हूँ। रिश्ते में ये हमारी मासी लगती है, पर ये मेरे से भी छोटी है। आप लोग को लगा ना स्ट्रेंज? हाँ यार, कि ये मेरे से भी छोटी है और इनका भी कुछ दिनों के बाद लगन उगन करके भगा दिया जाएगा। उसके बाद ये मेरी जो छोटी मासी बची है। तो यहाँ पे दीदी के साथ बहुत ही बड़ा प्रैंक होता है। दीदी को लगता है कि ये सारा फूल सब इन्हीं पर छीटेंगे, पर सारे लोग अपने पे छीटते तो सब मोए मोए हो जाता है दीदी का। फिर मासी के पास आती है, यहाँ पे फोटोशूट चल रहा था, फोटोशूट हो रहा था सब फैमिली के साथ, और मेरी मासी बहुत ही प्यारी मॉडल का सूट चल रहा है। ओह माय गॉड, कहाँ जा रहे हैं? Later. हाँ ये पीछे मैंने देखो, पीछे अभी थोड़ी थोड़ी डल हो गई, मैंने टचअप नहीं किया। कोई बात नहीं, काफी सुंदर लग रहे हैं हम लोग। बेसिकली क्या होता है ना, जब बारात आते हैं तो समधी मिलन होता है। तो उधर के समधी और इधर के समधी दोनों मिलते हैं और माला एक दूसरे को पहनाते हैं और गले लगते हैं। तो ये यहाँ पे रिचुअल होता है। तो इसे लगने के बाद और सारे लोग माला पहनाते और स्वागत करते हैं बारात का। ऑलरेडी मौसा जी पहुँच गए थे बारात लेके और मौसी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। तो मैं देखने आई थी कहाँ तक पहुँचा है बारात, फिर जाके मासी को बताती हूँ। और फिर बारात बहुत मस्त था। तो फाइनली बारात आ गया था और सारे लोग यही इंतज़ार में थे कब बारात आएगा। और लगभग यहाँ पे बारात हम लोग का यहाँ पे ना
मतलब कि बहुत लेट लेट से बारात आता है, 1 बजे आ गया था बारात और सारे लोग का जो मेकअप होता है ऑलरेडी उतर गया था, सब वेट वेट कर कर के थक गए थे। फाइनली बारात आ जाता है, फिर हम लोग सब बारात का स्वागत करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भी, ये जीजा जी नहीं, मेरे मौसा जी आ चुके थे ये कार में बैठ के, बट मैं देख नहीं पा रही थी उनको, तो बस थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ये जैसे अंदर जाते हैं, उसके बाद हम लोग सारे लोग जाते हैं, फिर जयमाला का तैयारी होता है। फाइनली यहाँ पे वेट ओवर हो जाता है मेरी मासी का, और इतना इंतज़ार के बाद फिर जयमाला ओवर होता है। जयमाला होने के बाद, जयमाला जैसे ही ख़त्म होता है, मतलब हम मेरे परिवार में ना सब लोग डांस के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो डांस के बिना रह नहीं सकते। जैसे ही जयमाला ख़त्म हो शुरू हो गए, अरे दीजिए ना खाली है ना। तो गाइस अभी खाना खा रहा है, देखो इधर देखिए भुक्कड़ है, सबसे बड़ा वाला भुक्कड़, और हमको खाना नहीं दिया गाइस। देखिए मुझे इतना शादी में इंटरेस्ट नहीं है, बस शादी में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रहता है वो दुल्हन का लहंगा रहता है और खाना, बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ पसंद नहीं आता। तो बस मैं खाना खाई और टैग करने के बाद फिर मैं चल जाती हूँ पेट पूजा करने के बाद घर की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।